Welcome again in my YouTube classroom, Talk English Pro. Subscribe this channel. Today we'll learn about metaphor, rhyme, connotation, simile, alliteration, and oxymorons. First, see the alliteration. Words in close proximity starting with the same sound or letter. That is, when words start with the same sound are used repeatedly in a phrase or sentence. मतलब किसी भी phrase या sentence में एक ही word से या एक ही उच्चारण से जो ढेर सारे शब्द आए बार बार आए तो वो alliteration कहलाते हैं. जैसे सीधे example, round the rugged rocks they ran. इसमें रक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गैरी ग्रम्पली गैदर द गार्बेज, गस है. लास्ट एग्जाम्पल इसमें देखिए, लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप, ल साउंड जो है बार बार आया है. तो दिस इज एलिट्रेशन. कोनोटेशन, फीलिंग और आइडिया सजेस्टेड बाय वर्ड इन एडिशन टू इट्स बेसिक मीनिंग. जैसे होम, कंफर्ट, सेफ्टी, बिलोंगिंग, इसका ये बेसिक मीनिंग है. जैसे पेट, मट, प्योर ब्रेड कहने से डॉग का ख्याल आता है. जैसे वेल्दी कहें, एफिलेंट कहें, प्रिविलेज्ड कहें, तो रिच के समानार्थी लगभग बनता है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग इज कॉल्ड कोनोटेशन. नेक्स्ट इज मेटाफोर, कंपैरिजन ऑफ टू थिंग्स बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर इवन दो they are not literally the same. यहाँ पे देखिए example है, उससे और समझेंगे आप. The world is a stage. जो विश्व है एक stage है. तो क्या stage और world बराबर है? नहीं है, लेकिन उपमा दी गई है. word एक हमारा वो stage है. जैसे he is the light of my life. तो कोई भी किसी का life के light कैसे हो सकता है? बट यहाँ पे उपमा दिया हुआ है, ही इज द लाइट ऑफ माई लाइफ. सी इज हैप्पी एज ए क्लैम. क्लैम एक जलचर होता है जो कि खुलता बंद होता है उसके सेल्स, उसके अनुसार हैप्पी है. तो ये सब उपमा दिया है. दिस इज कॉल्ड मेटाफोर. ऑक्सीमोरॉन, टू वर्ड्स और फ्रेजेस यूज टुगेदर दैट हैव और सीम्स टू हैव अपोजिट मीनिंग्स. दो वर्ड एक साथ या फ्रेज एक साथ हों लेकिन दोनों के अर्थ वास्तव में अलग होते हों लेकिन एक साथ यूज होते हैं. जैसे बिटर स्वीट, आप हिंदी में जैसे खट मीठ बोलते हैं वही है. लिविंग डेट, ओल्ड न्यूज. नेक्स्ट इज सिमिल, ये भी फसी द मीनिंग. अ टाइप ऑफ मेटाफोर, comparison of one thing with another, including the word as or like. As या like से बनाए हुए एक comparison किया गया हो किसी भी चीज़ के बारे में और उसकी quality बताई गई हो तो वो एक metaphor का रूप ही है, सिमिल कहलाता है. जैसे ही इज फियर्स एज ए लाइन, वो लाइन से लिखे गुस्सा या तेज है तो ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है. तो ये एक सिमिल है, उदाहरण दिया हुआ है. जैसे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स और डॉग का जो फाइट होता है उस प्रकार तो कोई भी करता नहीं लेकिन एक उदाहरण दिया हुआ है. तो दिस इज कॉल्ड सिमिल. स्विम लाइक अ फिश, फिश से लेके कोई भी तैर नहीं सकता बट हियर ये सिमिल है. राइम, वर्ड्स दैट हैव द सेम लास्ट साउंड, जिसका साउंड है जो वर्ड है राइमिंग वर्ड जिसको हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस या फ्रेज के आखिरी में लिखा जाता है, इसको आखिरी में उसको तुकबंदी जिसको कहा जाता है, उस तुकबंदी को मिलाया हुआ जाता है तो उसमें जो लास्ट साउंड है वो सेम रहता है. जैसे यहाँ पे देखिए ब्लू एंड फ्लू साउंड सेम है, स्पेलिंग भले अंतर हो. जैसे यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में चेस एंड फेस, दोनों के साउंड एक ही है. इसमें देखिए फॉर्म एंड डॉम, लास्ट साउंड दोनों शब्द के बराबर है. तो दिस इज कॉल्ड राइम.
आपको चैनल अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छे लगते हैं, आपके उपयोगी हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें।